बाद अब मुख्तार का नंबर। मुख्तार के जुर्मों की सजा भी हुई मुकर्रर। जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा मुख्तार। जुर्मों का अब देना होगा हिसाब किताब। जी, अदीक अहमद का तो जो अंत उसने सोचा था वही अंत उसका हुआ है, क्योंकि माफियाओं का क्या अंत होता है शायद वो उससे अच्छी तरह वाकिफ था। और अब बारी है मुख्तार अंसारी की, जिसकी अतीक की मौत के बाद से वैसे ही हालत खराब है, और अब तो कोर्ट ने सजा का ऐलान भी कर दिया है। जी, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही मुख्तार अंसारी पर कोर्ट ने 5,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। मामले में कोर्ट ने 26 साल बाद सजा सुनाई है, बल्कि इतने बड़े यूपी के माफिया को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला अवधेश राय की हत्या, राजेंद्र सिंह हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंशी की हत्या, एडिशनल एसपी पर हमले और गाजीपुर में पुलिस कर्मियों पर हमले के मामलों से जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी पर 5 गैंग चार्ज। राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88, धारा 302 आईपीसी, थाना कैंट, वाराणसी। वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88, धारा 302 आईपीसी, थाना कोतवाली, गाजीपुर। अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91, धारा 149-302 आईपीसी, थाना चेतगंज, वाराणसी। कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91, धारा 307-302, थाना मुगलसराय, चंदौली। गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमले में रघुवंश सिंह की मौत हो गई थी। गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96, धारा 148-307-332 आईपीसी, थाना कोतवाली, गाजीपुर के साथ 192/96, धारा 3(1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला। इन सभी मामलों को लेकर एक साथ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जबकि मुख्तार अंसारी ने ईडी के अफसरों से केस का फैसला आने तक पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने मुख्तार की इस अपील को मान भी लिया था, तभी तो गुरुवार को मुख्तार से ईडी ने पूछताछ नहीं की थी, लेकिन बुधवार देर रात को मुख्तार से सवाल जवाब किए गए थे। और अब तो मुख्तार को सजा का ऐलान हो गया है, तो फिर पूछताछ भी अब ताबड़तोड़ की जाएगी। आपको बता दें, यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। मोहम्मदाबाद पुलिस ने 22 नवंबर 2007 को भावर कोलर वाराणसी के मामले में गैंग चार्ट में सांसद अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 23 सितंबर 2022 को अफजल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अभियोजन की तरफ से गवाही के बाद इस मामले में बहस पूरी हो गई थी। 1 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। 500 राउंड फायर कर की गई थी कृष्णानंद राय की हत्या। साल 2005 में 29 नवंबर को गाजीपुर में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि एक अत्यंत दुस्साहसिक घटना थी, जिसमें करीब 500 राउंड फायरिंग हुई थी। कृष्णानंद राय को उस वक्त मारा गया था जब वो भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे। मैच का उद्घाटन कर लौटते समय बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने उनके काफिले पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर विधायक सहित 7 लोगों की जान ले ली थी। कृष्णानंद राय ने 2002 में मुख्तार अफजल के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के पीछे चुनावी रंजिश बताई गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में ही मुख्तार और अफजल पर आरोप तय किए गए थे। वैसे योगी राज में जिस तरह से मुख्तार अंसारी का हिसाब किताब किया जा रहा है, जिस तरह से उसको कोर्ट ने 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ने का फरमान सुना दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।